सीने में दिल, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा सैनिक का सम्मान रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उन्हें देवभूमि उत्तराखंड सच्ची श्रद्धांजलि देता है और उन्हें सलाम करता है और हमेशा करता रहेगा। हर 14 फरवरी को ये देवभूमि उत्तराखंड का एक प्रण मान लीजिए। दोस्तों, सैनिक को याद करने के लिए वैसे तो हमें कोई दिन रखना नहीं चाहिए, हम हर रोज़ अपने देश के सुरक्षा पर तैनात जो भी हमारे जवान हैं उनको हमेशा याद करते रहें, ये हमारा मकसद होना चाहिए। लेकिन विशेष तौर कुछ खास तौर पर कुछ दिन ऐसे हमको बनाने चाहिए जिस दिन हम अपने सैनिकों को याद कर सकें। और इसी तरह 14 फरवरी जो है वो भी एक खास दिन है, क्योंकि इस दिन हमने अपने 45 जवानों की शहादत दी थी पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में 14 फरवरी का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हमें अपने सैनिकों को याद करने के लिए किसी खास दिन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हमें प्रतिदिन जो हमारे सेना है उसको याद करना है, उसके शौर्य को याद करना है, उसकी वीरता को याद करना है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड हमेशा अपने जवानों के साथ खड़ी है और उन्हें हमेशा सलूट करती है। और दोस्तों, आप लोगों से भी अनुरोध करती है कि अपने सैनिकों का सम्मान करें, एक सैनिक का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हम ऐसी सोच देते हैं अपने घरों में बैठ के आराम से जहां हमें सब कुछ मिल रहा है और हम सोच देते हैं कि हाँ हमारे लिए सेना पर ड्यूटी कर रहा है, लेकिन कभी ये सोच के देखिए कि 0 डिग्री टेम्परेचर या -25 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर जो सेना पर तैनात है, जो बॉर्डर पर तैनात है, उसका उस इंसान के पास भी दिल ही है, वो हमारे लिए ये सब कुछ करता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि पैसे कमाने के लिए लोग सेना में जाते हैं, कई लोग मानते हैं ऐसा, उनकी जो सोच है वो बहुत छोटी है। अरे भाई, अगर वह पैसे कमाने के लिए वहाँ गया होता तो इतनी मुसीबत में काम करने के लिए उसको क्या ज़रूरत थी, ये कभी सोचते नहीं हैं। तो मेरा मानना उनका जवाब देना है कि भाई कभी जाके देखो, आप एक घंटा भी वहाँ पर टिक पाए तो बोलना, जहाँ पे वो हमारे लिए दिन रात तैनात रहते हैं, किस किस किन किन मुसीबतों से उनका सामना होता है दोस्तों, ये हम सोच भी नहीं सकते। और उन्हें पैसे कमाना ही अगर होता तो वो क्यों भाई छोड़ के आ जाते, नहीं मिलती उनको जॉब, बाहर आके उनको जॉब नहीं मिलती, ये जज्बा होता है मेरे दोस्त। सैनिक के अंदर एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो इनसे ये सब कराता है, और वही हर भारत के नागरिक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे पहले है। मेरे देश का ये काम नहीं कि वो मुझे कुछ करके दे, मेरा काम है अपने देश को आगे बढ़ाने का, ये लाइनें कही गई थी। आप जानते होंगे बहुत प्रसिद्ध हॉकी चैंपियन ध्यानचंद द्वारा, उन्होंने हिटलर को ये शब्द कहे थे कि मेरी देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की। यही सोच हर भारत के नागरिक के अंदर होनी चाहिए कि देश का काम नहीं है, आपने आपको जो देश ने दिया है वो कम नहीं है, आप आज़ादी में सांस ले रहे हो, ये इससे उससे बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा टॉपिक जो देशभक्ति के लिए आज मैं समर्पित करता हूँ उन सभी सैनिकों को जो पुलवामा हमले में शहीद हुए, और साथ ही जो अभी बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, उन सभी को डेडिकेट करता हूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।